What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL. बेबी कॉर्न चिली बना रहा हूँ, इंडो चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल स्टार्टर रेसिपी है, बहुत ही डिलिशियस लगती है। जैसी चिली पनीर सबको पसंद आता है, मुझे बेबी कॉर्न चिली भी बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करता हूँ। एकदम क्रिस्पी बेबी कॉर्न बनेगा और साथ ही में उसको फिर चिली सॉस में टॉस करेंगे। सबसे पहले बेबी कॉर्न को पका कर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 250 ग्राम्स बेबी कॉर्न यूज़ कर रहा हूँ। अब बेबी कॉर्न्स को आपको कट कर लेना है। आज मैं डायगनल कट्स कर रहा हूँ, बाइट साइज पीसेज में। इस तरीके से बेबी कॉर्न को डायगनल्स में आप कट कर लीजिए। एक बार आपने सारे बेबी कॉर्न्स ऐसे ही डायगनल से कट कर लिया है, तब आपको इन्हें बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर रखा है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर कटे हुए बेबी कॉर्न ऐड कर दीजिए। बेबी कॉर्न ऐड करने के बाद आपको ऑलमोस्ट कुक होने तक बेबी कॉर्न को पकाना है। लगभग 7 से 8 मिनट में बेबी कॉर्न अच्छे से पक जाएगा। 7 से 8 मिनट के लिए बेबी कॉर्न को बॉईल कर लीजिए। एक बार आपने बेबी कॉर्न को अच्छे से पका लिया है, तो बेबी कॉर्न को निकाल कर एक छन्नी के अंदर ऐड कर दीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए। अब बेबी कॉर्न को कोट करके फ्राई करने के लिए उसका बैटर तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर क्रिस्पीनेस के लिए, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर। अब धीरे धीरे आपको पानी ऐड करना है और एक थिक बैटर तैयार करना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए विस्क से मिलाते हुए एक थिक बैटर तैयार कर लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स करके एक लम्प फ्री थिक बैटर तैयार कर लिया है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस बैटर की। अब इसके अंदर बेबी कॉर्न हमें ऐड करना है। बेबी कॉर्न ऐड करके अच्छे से इस बैटर से बेबी कॉर्न को कोट कर लीजिए। बेबी कॉर्न को कोट करने के बाद अभी इसे हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए तेल हमारा मॉडरेटली हॉट है। धीरे धीरे बेबी कॉर्न को आप गरम तेल के अंदर ड्रॉप कीजिए फ्राई करने के लिए। एक बार सारा बेबी कॉर्न आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है, आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेबी कॉर्न को फ्राई करना है, जब तक कि ये एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप चाहें तो बेबी कॉर्न को डबल फ्राई भी कर सकते हैं, पर ऐसे भी काफ़ी क्रिस्पी फ्राई हो जाता है, इसलिए मैं आज सिंगल फ्राई कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो बेबी कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गया, एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो गया। इस स्टेज पर बेबी कॉर्न को निकाल कर एक छन्नी के अंदर ऐड कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। अब बेबी कॉर्न को चिली सॉस में टॉस करने के लिए एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार वॉक अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल ऐड करके तेल को अच्छे से कोट कर लीजिए पैन के ऊपर। अब इसमें 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए प्याज, 1 इंच चॉप की हुई अदरक, 4 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून धनिए के डंठल और 3 से 4 स्लिट की हुई हरी मिर्च। अब अच्छे से स्टर करके 1 मिनट के लिए आपको हाई फ्लेम पर पकाना है। 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर अभी मैं 150 से 200 ml वेजिटेबल स्टॉक ऐड कर रहा हूँ। यहाँ आप गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करते ही इसे एक बॉईल पे ले आइए। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 से 2 हरी मिर्च की पेस्ट, चुटकी भर शक्कर, टेस्ट के हिसाब से नमक, नमक हमें कम डालना है, और 1 चुटकी सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद अभी मैं साइड पर कॉर्नस्टार्च की स्लरी बना रहा हूँ इस सॉस को थिक करने के लिए। 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लेकर उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके अच्छे से मिला लीजिए और एक स्लरी तैयार कर लीजिए। अब इस स्लरी को धीरे धीरे ऐड कीजिए सॉस के अंदर और कंटिन्यूसली स्टर कीजिए, जब तक कि आपकी सॉस थिक नहीं हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने स्लरी ऐड करके सॉस को अच्छे से थिक कर लिया है। इस स्टेज के ऊपर आप फ्लेम को एकदम लो पर कर दीजिए। अब इसके अंदर मैं फ्राई की हुई बेबी कॉर्न ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 1/3 कप डाइस की हुई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद वाला हिस्सा और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको बस चिली सॉस से बेबी कॉर्न को टॉस कर लेना है। इस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो आपकी जो बेबी कॉर्न है वो काफ़ी सॉगी हो जाएगी। एक बार चिली सॉस अच्छे से कोट हो जाए बेबी कॉर्न के ऊपर, इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा हरा प्याज यानी स्प्रिंग अनियन ऐड कर रहा हूँ और ये हमारा बेबी कॉर्न चिली रेडी हो गया है। सो अब बेबी कॉर्न चिली स्टार्ट इज रेडी, लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल।
बहुत ही आसान स्टार्टर रेसिपी है बेबी कॉर्न चिली की। अगर आपको पनीर चिली वगैरह पसंद है तो बेबी कॉर्न चिली भी बहुत अच्छा लगेगा, जरूर ट्राई करो ये रेसिपी। बेबी कॉर्न के साथ मशरूम भी ऐड कर सकते हो, पनीर भी ऐड कर सकते हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे थोड़ी इनोवेशंस करके ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल बेबी कॉर्न चिली रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।